वेलकम एवरीवन मु चंदन कुमार सो लास्ट क्लास रे हमरो डिस्कशन चल थिला न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ हालो आल्किन और हालो आल्किल हैलाइड्स तो तारो दे तीन टा रही जायतिला सेटा जे हम कंप्लीट कर दवा सो एठी हमें देखिबा फर्स्ट हमरो आजरो टॉपिक रे देखिबा हमरो सब्स्टिट्यूशन बाय नाइट्रो ग्रुप माने एटे तमर जो नाइट्रो ग्रुप रहिछि नाइट्रो ग्रुप टा तमरो हालोजन ग्रुप सहित रिप्लेस हेइ जइबो माने एठी तमरो नाइट्रो ग्रुप जे अछि सेठी तमरो कोन करिवो एक्ट एज ए एक्ट करिवो एज ए न्यूक्लियोफाइल सो कौन कर जो तुम कौन से आल्किल हैलाइड मुझे लिखनी मुझे तुमको डायरेक्ट कह दूँ तो ये वे तुमको मन रखा पड़ो आल्किल हैलाइड व्हेन ट्रीटेड विथ सिल्वर नाइट्राइट ओके सिल्वर नाइट्राइट इट गिव्स आल्किल नाइट्रेट और आपको आम तुम नॉर्मल कौन कह पार आपको तुम जहाँ भी ये करो आपको कौन कह पार नाइट्रो आल्केन ये तुम आर नेमिंग दे पार राइट तो तार सहित तार जो बाय प्रोडक्ट बाहर से कौन तुम सिल्वर सिल्वर हालाइड ये बाहर तो ये मुझे तुम एक्जामपल तुम कौन दे एक्जामपल तुम ये कौन नहीं ब्रह्म इथेन देखिए जोटा कि तुम इथेल ब्रोमाइड कौच आउ सिल्वर नाइट्राइट नहीं तो ये कौन कर तुम ये जगह तुम रिएक्शन हम तुम ए जि बी आर ये दुज कौन है रिएक्शन की पलैबे देख बी आर जो जीव से नेगेटिव हो ये पॉजिटिव हम ये केस तुम सिल्वरटा पॉजिटिव हम आउ तुम एन ओ टूटा नेगेटिव हम सो न्यूक्लियोफाइल मैंने कौन से नेगेटिव चार्ज से क्वाड को जीव जे न्यूक्लियोफाइल मैंने कौन न्यूक्लियस लविंग स्पेसीस न्यूक्लियस मैंने कौन जहाँ प्रोटोन थी प्रोटोन मैंने पॉजिटिव थी तो एन ओ टूटा कौट जीव तुम सीएच टू को तो ये लगे कौन तुम सीएच टू एन ओ टू हम आउ ये तुम सिल्वर ब्रोमाइड नेक्स्ट टॉपिक तो यहाँ होगा तुम कौन रिएक्शन बाय नाइट्रो ग्रुप तो ये तुम कौन फॉर्मेशन है तुम ये नाइट्रो इथेन फॉर्मेशन है नेक्स्ट आम देखा सब्स्टिट्यूशन बाय कार्बोक्सिलिक ग्रुप आठ तुम कौन फॉर्मेशन हम तो जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप सब्स्टिट्यूशन हम से जगह तुम एस्टर फॉर्मेशन हम तो ये एग्जांपल मुझे कौन नहीं जाइए तुम सिल्वर सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड और आपको सिल्वर एसिटेट पढ़ा जाए सी एस सी सी ओ ए जी को तुम सिल्वर एसिटेट पढ़ा जाए तो ये कौन हम हालो आल्केन्स मैंने ये तुम एक्जामपल मुझे कौन नहीं जाइए इथेल ब्रोमाइड नहीं जाइए तुम ये डायरेक्ट एक्जामपल तुम से लिखिदे पार इथेल ब्रोमाइड व्हेन हीटेड विथ ये हालो आल्केन मुझे इन जनरल लिखी हालो आल्केन्स व्हेन हीटेड विथ एन इथालोनिक इथानोलिक सल्यूशन इथानोलिक मैंने कौन इथानोलिक मैंने कौन इथानोल सी एच थ्री सरी सी एच थ्री सी एच टू ओ एच ताको आम कौन कह इथानोलिक तो इथानोलिक सल्यूशन ऑफ सिल्वर सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड माने जोटी की तुमरो इटी तुमरो कौन थिबो सिल्वर सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड बा तुमरो सिल्वर एसिटेट थिबो ता सहित से का सहित मिसिकी थिबो से टिके तुमरो कोन इथानोलिक सल्यूशन माने इथानोल सहित मिसिकी थिबो से जतल कोन करबो गोटे हालो आल्केन सहित रिएक्ट करबो बा ताको तुम ताको जतल से हिट कर दबो इटी तुमरो कोन होबो ना आर अगेन आर जो एजी ग्रुप अछि बा आर जो सिल्वर ग्रुप अछि सिल्वर ग्रुप टा आरो ब्रोमीन ग्रुप सहित सेपरेट हो कि ये कौन कर तुम सिल्वर ब्रोमाइड फॉर्मेशन करके पलब और बाकी ए ग्रुप जाए सीठी तुम जॉइन हो जोटा कि तुम सी एस सी ओ ओ आम सी एस सी एस टू ये लगेगा तुम सी एस सी एस टू तो यहाँ तुम कौन है ईस्टर तुम फॉर्मेशन होगा बुझेगा तो यहाँ हूँ तुम कौन रिएक्शन है आपको तुम कौन कह सिल्वर एसिटेट भी पढ़ा जाए और सिल्वर सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड भी तुमको पढ़ा जा राइट तो नेक्स्ट नेक्स्ट आड़ को जी नेक्स्ट कौन अच्छे तुम सब्स्टिट्यूशन ऑफ ब्रोमीन और क्लोरीन बाय आयोडीन है तो ये कौन करवा आम आल्किल हैलाइड को लेकिन ही आम आल्किल हैलाइड फॉर्मेशन करवा तो ये कौन कहला व्वेन क्लोरो आल्केन और ब्रोमो आल्केन है तो तुम फॉर्मेशन एटा कौन करो आयोडो आल्केन आम फॉर्मेशन करुचु तो ये तुम कौन हो जो तुम ब्रोमीन और क्लोरीन आयोडीन सहित रिप्लेस होते राइट तो यहाँ हो तुम कौन फॉर्मेशन ऑफ आयोडो आल्केन तो ये कौन लिखा व्वेन क्लोरो आल्केन्स और ब्रोमो आल्केन दुटा जिनस नहीं पार ये इज ट्रीटेड विथ सोडियम आयोडाइड और पोटासीयम आयोडाइड कौन सी जेकोसी तुम गोटे कौन ना सोडियम आयोडाइड है कि पोटासीयम आयोडाइड मैं जो सॉल्ट गोटे तुम ने बट रिमेम्बर कौन कि जेहेतु आम कौन फॉर्मेशन करुचे आमको आयोडो आल्केन फॉर्मेशन कर तो ये अलवेज तुम जो ये जो तुम आई मानने जो तुम हालाइड जगार हालोजेन ग्रुप जगार से आई ही रहीबार अच्छे ना आम आयोडो आल्केन फॉर्मेशन हम ना तो व्वेन क्लोरो आल्केन और ब्रोमो आल्केन इज ट्रीटेड विथ एन ए आई और के आई इन एसीटोन है एसीटोन मैंने कौन नॉर्मली कीटोन मैंने कौन सी एच थ्री सी डबल बंड ओ ये सी एच थ्री एमती भी लिखा जाए आमती भी लिखा जाए ना सी एच थ्री डबल बंड ओ है ये तुम सी थी राइट सी डबल बंड ओ सी एच थ्री सी एस थ्री तो आपको तुम ये सीटा एमती भी लिखा जाए आ सीधार लिखा जाए तो ये ये तुम कौन कौन प्रेजेंट थी तुम क्लोरो आल्केन कि ब्रोमो आल्केन को तुम सोडियम आयोडाइड कि पोटासीयम आयोडाइड सहित जेकि तुम एसीटोन प्रेजेंट थी जितने तुम रिएक्ट कर कौन हम ना हालोजेन ग्रुप टा एक्सचेंज टेक्स प्लेस हम कौन हम टू फॉर्म आयोडो आल्केन मैंने
इटि तमरो कोन होबो आरो इटि तमरो जदि हम ए ग्रुप को हम देखिबा इटि तमरो क्लोरीन होछ हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव माने ये नेगेटिव हे कि बाहरबो तो बाकी सीएस रे सीएस2 ये माने कोन हे जिवे ये हे जिवे तमरो कोन पॉजिटिव ये तमरो पॉजिटिव हेगला ए केस रे आई टा नेगेटिव बट के टा पॉजिटिव तो इटि कोन होबो आरो आई सहित आई टा नेगेटिव आ एपुट आरो पॉजिटिव सीएस रे सीएस2 ता सहित कोन होबो सीएस रे सीएस2 आई होबो आ ए के एल टा ये कोन हे जिवो तमरो केसीएल गोटे सॉल्ट हे कि बाहरी पड़ो है तो जनरली यही रिएक्शन को फिंकलस्टेन बोली रिएक्शन रे जना जाए तो यहाँ गोटे नेमिंग रिएक्शन सो वेरी वेरी इंपोर्टेंट तुमको फॉर्मेशन ऑफ आयोडो आल्केन तुमको क्वेश्चन आसो राइट डाउन व्हाट इज फिंकलस्टेन रिएक्शन कि जहाँ मुझे तुम कह कि शॉर्ट नोट्स अबाउट फिंकलस्टेन रिएक्शन तो जो ये जो रिएक्शन जाक तुमको पर्टिकुलरली भलसे मन रखा पड़ो ना जब जहाँ भी तुमको आज रिएक्शन जहाँ भी तुमको डिस्कसन कर दिस इज अ लॉन्ग वे माने तुम जितना आंसर लिख तुमको एमती ही लिखा पड़ो मैंने तुमको थ्योरी सहित तले तुमको रिएक्शन लिखा पड़ो दिस इज मैंडेटरी तुम खाली थ्योरी लिखी खाली रिएक्शन छाड़ दे पारे रिएक्शन लिखिकी तुम खाली थ्योरी छाड़ दे पारे ना दुटा जाक तुमको लिखा पड़ो सो एटा सब रिमेम्बर करवाक तुम्हें कौन कर गोटे फ्लो चार्ट बनेदेव फ्लो चार्ट कमी बनइब मुझे टोटाली आम एटा ओवर है मुझे तुमको कहीदेवी कि फ्लो चार्ट बना जाए फ्लो चार्ट तुम कौन कर मन रखा पड़ो तो इट इज इजी हो जाओ आदर तुमको रिएक्शन जब तुमको मन रहीगला तो ऑटोमेटिकली तुमको तुम थ्योरी हिसाब से तुम लिखिद पार तो से जिन सब माइंड रख सो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एति की नेक्स्ट आम यू न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन रे आरो मेकानिजम अच्छे राइट हालोआल्केन हालोआल्केन रे आरो मेकानिजम अच्छे जोटा कि आम नॉर्मली आम कौन जाना गोटे तुम एसएन वन मेकानिजम आ गए तुम एसएन टू मेकानिजम तो ये जो मेकानिजम इट इज वेरी वेरी इंपोर्टेंट यहाँ एग्जाम बेसिकली आसे तो यहाँ तुम कमी लिख ये जिनस मुझे तुमको डिस्कसन करदे तो नेक्स्ट आम जा ଏଇଟା ପଳା ଆସିଲା ତୁମର ମେକାନିଜମ୍ ଅଫ୍ ନ୍ୟୁକ୍ଲିଓଫିଲିକ୍ ସବଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ୍ ରିଏକ୍ସନ୍ ରାଇଟ୍ ତ ଏଇ ଯେଉଁ ମେକାନିଜ ତାର ଏବେ ଆମେ ଯାହା ବି ଆମେ ରିଏକ୍ସନ୍ ଆମେ ମେକାନିଜମ୍ କରୁଥିଲୁ ସେଇ ଭିତରୁ ହିଁ ଆମେ ଗୋଟେ ରିଏକ୍ସନ୍ ହେବା ଆଉ ସେଇଟା ହିଁ ଏଠି ଆମେ ଦେଖିବା ସବୁ ନ୍ୟୁକ୍ଲିଓଫିଲିକ୍ ସବଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ୍ ରିଏକ୍ସନ୍ ସେମିତି ହିଁ ହୁଏ ତ ବେସିକାଲି ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ଏଠି କେତେ ଟାଇପ୍ର ରିଏକ୍ସନ୍ ହୁଏ ତ ତୁମର ନ୍ୟୁକ୍ଲିଓଫିଲିକ୍ ସବଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ୍ ରିଏକ୍ସନ୍ ବେସିକାଲି କେତେ ଟାଇପ୍ର ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଟୁ ଟାଇପ୍ସର ରାଇଟ୍ କ'ଣ କ'ଣ ଗୋଟେ ହେଉଛି ତୁମର ଏସ୍ଏନ୍ ୱାନ୍ ରିଏକ୍ସନ୍ ଆଉ ଗୋଟେକୁ କୁହାଯାଏ ତୁମର ଏସ୍ଏନ୍ ଟୁ ରିଏକ୍ସନ୍ तो ये सब SN1 और SN2 रो मीनिंग मध्ये था S फॉर सब्स्टिट्यूशन N फॉर न्यूक्लियोफिलिक वन फॉर यूनिमोलिकुलर तुम जानो यूनि यूनिट इन सब लिखा एम मीनिंग सब वन को बुझाए और सेम SN2 सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक ये हूँ कौन तुम बायोमोलिकुलर रिएक्शन तो ये सब जिनस जाक तुम माइंड तुम रहीबार अच्छे तो फर्स्ट आम देखा व्हाट इज SN1 रिएक्शन कौन सो ये जो रिएक्शन रे कौन हम बेसिकली SN1 रिएक्शन हम इट ये जो SN1 रिएक्शन टा ये दुटा स्टेप हुए ଏଠି ମଧ୍ୟ କ'ଣ ହେବ ତୁମର ନ୍ୟୁକ୍ଲିଓଫିଲିକ୍ସଟା ସବଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ୍ ହିଁ ହେବ ନ୍ୟୁକ୍ଲିଓଫିଲିକ୍ ହିଁ ଆସିକି ଏଡ୍ ହେବ ବଟ୍ ଏଇ ଯେଉଁ ରିଏକ୍ସନ୍ରେ ଏଇ ମାନେ ତୁମର ଏଠି କ୍ଲୋରିନ୍ଟା ପଳେଇବ କ୍ଲୋରିନ୍ ଯାଇକି ସେ ଜାଗାରେ ଗୋଟେ ନ୍ୟୁକ୍ଲିଓଫିଲିକ୍ ଆସି ସବଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ୍ ତ ହେବ ରିଏକ୍ସନ୍ ସବୁ ସେମ୍ ଯେମିତି ଆମେ ନ୍ୟୁକ୍ଲିଓଫିଲିକ୍ ସବଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ୍ ରିଏକ୍ସନ୍ ପ୍ରିଭିଅସ୍ରେ ଯେତିକି ସବୁ ରିଏକ୍ସନ୍ ପଡ଼ିଲୁ ସବୁ ସେମିତି ହିଁ ରିଏକ୍ସନ୍ ହୁଏ ବଟ୍ ଏଠି କ'ଣ ଆମେ ତାର ମେକାନିଜମ୍ ପଡ଼େ ମାନେ କେଉଁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଷ୍ଟେପ୍ରେ କ'ଣ ହେବ ସେକେଣ୍ଡ ଫାର୍ଷ୍ଟରେ କ'ଣ ହେଉଛି ତାପରେ କ'ଣ ହେଉଛି ଏଇ ଜିନିଷ ଆମେ ଦେଖିବା ତ ରିମେମ୍ବର ଏଠି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ସବୁବେଳେ ପିଲାମାନେ କନଫ୍ୟୁଜ୍ ହୁଅନ୍ତି କି ଏସ୍ଏନ୍ ୱାନ୍ ରିଏକ୍ସନ୍ ଅଲୱେଜ୍ ମନେ ରିମେମ୍ବର କି ଏସ୍ଏନ୍ ୱାନ୍ ରିଏକ୍ସନ୍ ୱାନ୍ ଲେଖିଛି ବଟ୍ ଏଠି ତୁମର ଯେଉଁ ଷ୍ଟେପ୍ ସେଇଟା ଦୁଇଟା ହେବ ମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ରିଏକ୍ସନ୍ଟା ଫାର୍ଷ୍ଟ ରିଏକ୍ସନ୍ଟା ଯେଉଁ ଏସ୍ଏନ୍ ୱାନ୍ ରିଏକ୍ସନ୍ ସେଇଟା ଦୁଇଟା ଷ୍ଟେପ୍ରେ ହୁଏ ମାନେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଗୋଟେ ଷ୍ଟେପ୍ ହେବ ସେକେଣ୍ଡରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଷ୍ଟେପ୍ ହେବ ତେବେ ଯାଇକି ତୁମ ପ୍ରଡକ୍ଟଟା ମିଳିବ ବଟ୍ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଏସ୍ଏନ୍ ଟୁ ରିଏକ୍ସନ୍କୁ ଯିବା ସେଠି ତୁମର କ'ଣ ହେବ ଗୋଟେ ସିଙ୍ଗଲ୍ ଷ୍ଟେପ୍ରେ ଦୁଇଟା ଗୋଟେ ପୁରା ରିଏକ୍ସନ୍ଟା କେରି ଆଉଟ୍ ହୋଇଯିବ ତ ଏଇ ଜିନିଷ ମାଇଣ୍ଡ ରଖିବ ଏସ୍ଏନ୍ ୱାନ୍ ମିନ୍ସ ଆଉ ସିଙ୍ଗଲ୍ ଷ୍ଟେପ୍ ବୋଲି ମନେ ରଖିବନି ଏସ୍ଏନ୍ ୱାନ୍ ମାନେ ଷ୍ଟେପ୍ ଟୁ ଏସ୍ଏନ୍ ଟୁ ମାନେ ଷ୍ଟେପ୍ ୱାନ୍ ଗୋଟେ ଷ୍ଟେପ୍ରେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେବ ସୋ ନା ଏଇ ଷ୍ଟେପ୍ରେ କ'ଣ ହେବ ଇନ୍ ଦିସ୍ ଷ୍ଟେପ୍ ବା ଷ୍ଟେପ୍ ୱାନ୍ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଷ୍ଟେପ୍ରେ କ'ଣ ହୁଏ ଦେଖ ନର୍ମାଲି ଆମେ ଏଠି ଆମେ କ'ଣ କରୁଛେ ସି ଏକ୍ସ ବଣ୍ଡକୁ ହିଁ ବ୍ରେକ୍ କରିବା ଆଉ ଏକ୍ସକୁ ଆମେ ସେଠୁ କାଢ଼ିଦେଇକି ସେ ଜାଗାରେ ଆମେ ନ୍ୟୁକ୍ଲିଓଫାଇଲିକ୍ ଆଣିକି ଆଟାଚ୍ କରିବା ତ ସେ ଜିନିଷ ହିଁ ହେବ ଏଠି ସେ କହିଲେ ଇନ୍ ଦିସ୍ ଷ୍ଟେପ୍ ୱାନ୍ ଦି ପୋଲାରାଇଜ୍ଡ ସି ଏକ୍ସ ବଣ୍ଡ ତ ବୁଝିପାରୁଥିବ ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ପୋଲାରାଇଜ୍ଡ ପୋଲାରାଇଜ୍ଡ ମାନେ ଯେହେତୁ ସି ଆଉ ଏକ୍ସ ସେମାନେ ଇଏ ହେଉଛି ହାଇଲି ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋ ନେଗେଟିଭ୍ ଆଉ ଇଏ ହେଉଛି ହାଇଲି ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋ ପଜିଟିଭ୍ ତ ଏମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ନେଗେଟିଭ୍ ଚାର୍ଜ ପାର୍ସିଆଲି ଆଉ ପାର୍ସିଆଲି ପଜିଟିଭ୍ ଚାର୍ଜ ଯେଉଁ କ୍ରିଏଟ୍ ହେଉଛି ତ ସେଥିପାଇଁ ଏମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ବଣ୍ଡ ଭିତରେ ଗୋଟେ ପୋଲାର ନେଚର୍ କ୍ରିଏଟ୍ ହୁଏ ଏଇଟାକୁ ଆମେ ପୋଲାର ନେଚର୍ କହିବା ଗୋଟେ ପାର୍ସିଆଲି ନେଗେଟିଭ୍ ଆଉ ପାର୍ସିଆଲି ଯେଉଁ ପଜିଟିଭ୍ ତ ଇଏ କ'ଣ ହେବ ସେ କହିଲା ତ ଇନ୍ ଦିସ୍ ପୋଲାରାଇଜ୍ ଷ୍ଟେକ୍ସ ବଣ୍ଡ ବ୍ରେକ୍ସ ବ୍ରେକ୍ସ ମାନେ କ'ଣ ଏଠି ଏଇ ଯେଉଁ ବଣ୍ଡଟା ଭାଙ୍ଗିବ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଷ୍ଟେପ୍ରେ କ'ଣ ହେବ ତୁମର ବଣ୍ଡଟା ବ୍ରେକ୍ ହେବ ରିଜଲ୍ଟିଂ ଦି ଫର୍ମେସନ୍ ଅଫ୍ କାର୍ବୋକାଟାୟନ୍ ରାଇଟ୍ ତ ତୁମର ଟୁ ଟାଇପ୍ର ଥାଏ ଗୋଟେ ଥାଏ ତୁମର କାର୍ବୋକାଟାୟନ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ଥାଏ ତୁମର କାର୍ବୋ ଆନାୟନ୍ ରାଇଟ୍ କାର୍ବୋକାଟାୟନ୍ ମାନେ ବୁଝିପାରୁଥିବ କାର୍ବୋ ମାନେ ବେସିକାଲି କାର୍ବନ୍ ଥାଏ କାଟାୟନ୍ ମାନେ କ'ଣ ସେଠି ପଜିଟିଭ୍ ଚାର୍ଜ ଥିବ ମାନେ କାର୍ବନ୍ ବି ଥିବ ତା ସହିତ ପଜିଟିଭ୍ ଚାର୍ଜ ଥିବ ତାକୁ ଆମେ କାର୍ବୋକାଟାୟନ୍ କହିବା ସେମିତି ଆଉ ଗୋଟେ ତାର ଅପୋଜିଟ୍ରେ ଆସେ କାର୍ବୋ ଆନାୟନ୍
कार्बन आयन बोली भी आपको पढ़ा जाए। तो कार्बन आयन माने कौन जोटि कि तुम कार्बन भी थी बट सी नेगेटिव चार्जे थी तो जिन मन रख। तो फर्स्ट स्टेप कौन हम तुम सीएक्स बॉन्डटा ब्रेक हे बट ये जो रिएक्शनटा कौन हम स्लो रिएक्शन ये बहुत स्पीड रे हेनी दिस इज योर स्लो रिएक्शन। ये कौन फर्मेसन कर तुम कार्बोकाटायन फर्मेसन कर सहित तुम हालाइड आयन फर्मेसन कर फर्स्ट स्टेप दैट मीनस तुम सीएक्स अच्छी सहित सब हाइड्रोजन फाइड्रोजन अच्छे से नौनी कार्बन अच्छी ये जिते कौन हम बॉन्ड ए बॉन्डटा तुम ब्रेक है तो ये कार्बोकाटायन मैंने ये पॉजिटिव हम एंड दिस इज योर नेगेटिव हम तो आपको आम कार्बोकाटायन कहे आपको आम कौन कहे हालाइड आयन कह देख आयन आम क्या कह जी भी तुम पॉजिटिव है कि नेगेटिव है तो आम जनरली आयन आयन्स कह पॉजिटिव थे कार्टायन कह नेगेटिव थे आनायन कह सो यहाँ है तुम। तो बेसिकली ये जो एस एन वन रिएक्शन तुम सब सुइटेबल जो तुम हालो आल्किन होची दैट इज योर टर्शियरी अल्किल हैलाइड ना टर्शियरी अल्किल हैलाइड रो जो कार्बोकाटायनटा से बहुत स्टेबल थाए तो से बेसिकली कार्बोकाटायन तुम टर्शियरी अल्किल हैलाइड सब निया जाए तो यहाँ मन रख टर्शियरी अल्किल हैलाइड फॉलोज दिस टाइप ऑफ मेकानिज्म तो तुम टर्शियरी अल्किल हैलाइड ही यहाँ बहुत अधिक निजाए टर्शियरी मैंने बुझ पार्थ जो तुम जो तुम कार्ब ये ग्रुप लगे सहित से कौन लगे तुम तीनटा तुम मिथाइल ग्रुप सहित लगे आम टर्शियरी कह देख कार्बन लगे सहित तुम तीन टाइम मिथाइल ग्रुप लगी सहित से तुम टर्शियरी अल्किल हैलाइड। सो फर्स्ट यहाँ तुम फर्स्ट स्टेप सॉरी जनरल स्टेप तले देखा फर्स्ट स्टेप जनरल स्टेप कमी देख यहाँ हूँ तुम टर्शियरी अल्किल हैलाइड ये तुम एक्स रहा फर्स्ट स्टेप स्टेप वन कौन है फर्स्ट तुम स्लो रिएक्शन है माने एटा जो बॉन्डटा ब्रेक हम धीरे धीरे बहुत स्लो स्लो रे हुए तो यहाँ बॉन्डटा ब्रेक है बॉन्ड ब्रेक है गोटे कौन है एक्स माइनस है कि बाहरी पड़ा आ गोटे सी प्लस है कि बाहर दैट इज एटा ही तुम हो कार्बोकाटायन कार्बोकाटायन नाउ जो ये जिनसटा फॉर्मेशन होगा तो आमको कौन दरकार आम अल्किल हैलाइड्स नहीं जाए ता सहित आमको गोटे कौन दरकार गोटे आमको इलेक्ट्रोफाइल दरकार सॉरी न्यूक्लियोफाइल दरकार जेहतु आम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करुचे तो यहाँ सीना तुम इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल आ गोटे आम आने बाहर तो इलेक्ट्रोफाइल तो ये तुम एक्स बाहरी पड़ा एवं आमको कौन दरकार ये जो सी प्लस को सैटिस्फाई करवाक आमको गोटे न्यूक्लियोफाइल दरकार बिकज आम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आम पढ़ुचे तो न्यूक्लियोफाइल आम कौन आने गोटे एक्जाम्पल नहीं जाइए तुमको के ओ एच गोटे नहीं जाइए है गोटे कौन से बेस नब बेस रु आम कौन करें सेपरेट करदे तुम ओ एच माइनस ए हो तुम गोटे कौन ये तुम हो न्यूक्लियोफाइल है ये हूँ तुम न्यूक्लियोफाइल ये ओएचटा आम रिएक्ट करवा तो फर्स्ट स्टेप रे ये सब स्टेप हुए तो कौन हुए ना जितेबाला तुम ये जो स्टेप हो जाए तापर सेकंड स्टेप रे कौन हुए देखो यहाँ फर्स्ट स्टेप रे इतनी तुम होगा आम डिटेल्स रिएक्शन देखा ए कार्ब ए कार्ब ए कार्बोकाटायन इज भेरी रिएक्टिव राइट ये हूँ कौन जितेबाला फर्मेसन हो दैट इज ए भेरी भेरी रिएक्टिव होगा सो ए कार्बोकाटायन इज भेरी रिएक्टिव इलेक्ट्रोफाइल जेहतु ये कौन होगा आपको आसिकी न्यूक्लियोफाइल अटैक कर मैंने ये हूँ गोटे इलेक्ट्रोफाइल होगा तो मन रख पॉजिटिव जो लगी मैंने से हो तुम इलेक्ट्रोफाइल नेगेटिव थी दैट इज योर तुम न्यूक्लियोफाइल जिन मन रख ए कार्बोकाटायन इज भेरी रिएक्टिव रिएक्टिव इलेक्ट्रोफाइल एंड हेन्स इन द सेकंड स्टेप द कार्बोकाटायन रिडली रिडली मीनिंग हो कौन बहुत स्पीड रे है ये तुम फर्स्ट रिएक्शन स्लो था बट सेकंड रिएक्शन कौन हम हेन्स इन द सेकंड स्टेप तुम ये जो कार्बोकाटायन रिडली रिएक्ट विथ ए न्यूक्लियोफाइल ये गोटे नेक्स्ट आ गोटे न्यूक्लियोफाइल जोड़ा आम न्यूक्लियोफाइल दबा ता सहित से रिएक्ट कर एंड यहाँ बहुत रिडली रिडली मीनिंग कौन बहुत स्पीड से रिएक्शन करे तो सेटा कौन कह बहुत जल्दी से अटैक कर सेटा हम कह सो ये मुझे तुमको जनरली आम देखिए इटे तुमको टर्शियरी अल्किल हैलाइड मैंने कौन दे देती तुमको तीन टाइम तुम मिथाइल ग्रुप सहित गोटे कौन तुम ब्रोमीन अच्छे आपको तुम जो जनरल नेमिंग करो कहीं करो आपको वन आपको टू लिखे तुम लिख कौन हम वन लिखि तुम वन कमा वन डाई मिथाइल रईट डाई मिथाइल तापर कौन लिख सरी पूर्व तो ब्रोमाइल लिखा पड़ो वन ब्रोमो डाई मिथाइल तापर कौन लिख इथेन तो ये जिनस ये तुम लिखिपार तार नेमिंग टाइम तो आ सहित आम कौन नहीं गोटे आमको कौन दरकार न्यूक्लियोफाइल दरकार तो न्यूक्लियोफाइल मैंने आम के ओएच रू ने कोएच के ओएच को सेपरेट करदे तो के ओएच को आम जो सेपरेट करदे आमको जिन मिल जाए कौन से आमको गोटे मिल जाए आमर के प्लस आ गोटे आमर ओएच माइनस यहाँ ही आम ए बॉन्ड को ब्रेक करापर आम फास्ट कार्बोकाटायन फॉर्मेशन करापर जाकि आम से कौन करवा रिएक्शन करवा सो ये जो रिएक्शनटा इजिली तुम बुझ पाऊ कि हो देख नेक्स्ट स्टेप देखा यहाँ को देख इन दिस रिएक्शन मुझे तुमको कहीदी स्टेप वन फर्स्ट कौन है देख दिस इज योर स्टेप वन फर्स्ट स्टेप ये तुम कौन है फर्स्ट स्टेप आम कौन नहीं कि गले आम से जोटा आम सब्स्टिट्यूट जो भी आम न्यूक्लियोफाइल अटैक करवा से रिएक्शन आम जो अल्किल हैलाइड ने टर्शियरी अल्किल हैलाइड नहीं चाहे आम सीए कौन कर फर्स्ट स्टेप तार बॉन्ड ब्रेक हे फर्स्ट स्टेप बॉन्ड ब्रेक हे बट यहाँ कौन हम स्लो रे हम कही तो ये फर्स्ट स्टेप बॉन्ड ब्रेक हेल्ले कौन बीआरटा बीआर माइनस है कि पलैला आ बाकी ये कौन होगा तुम प्लस बा ये तुम कौन फॉर्मेशन होगा कार्बो काटायन फॉर्मेशन है फर्स्ट स्टेप ये तुम होगा नेक्स्ट आम देखा
एबे ए जो हमर ग्रुप जोटा हमें इठरो हमें न्यूक्लियोफाइल काढ़ कौन अच्छे हमर के प्लस अच्छे आउ हमर ओएच माइनस अच्छे राइट आम जहाँ भी आम रिएक्शन नहीं तो ये आम कौन अच्छे ओएच माइनस ही आम अटैक करवा तो यहाँ हूँ तुम कौन फर्स्ट स्टेप ये तुम कौन कार्बोकाटाइनटा फर्मेसन होगा। सेकेंड स्टेप रे कौन होला तुमर ये कार्बोकाटाइन से कार्बो एक कथा छाड़ दियो ये तो गलापर बाकी ओएचटा न्यूक्लियोफाइल ये पला आसापर ये ब्रोमिनटा ये के प्लस सहित मिसिकी से केबीआर फर्मेसन करदेव आमर ये आम इंपोर्टां प्रडक्ट ना आम प्रडक्ट इंपोर्टां हूँ यहाँ तो आम से कथा डिस्कसन करवा तो ये कौन कर सी आसला ता सहित आम ये न्यूक्लियोफाइल को आने आम कौन करवा सहित रिएक्ट करवा तो ये ओब्वियसली पॉजिटिव ये नेगेटिव एम कौन करेंगे रीडली रिएक्ट करेंगे दुज कौन है से अटाच होते आउ तुम जो फाइनाल प्रडक्ट बाहर सेटा हो तुम अल्कोहल तुम यहाँ तुम फास्ट तुम प्रिपेरेसन जो तुम फर्स्ट केमिकल प्रपर्टीज से पड़ा जो तुम कौन आल्किल हैलाइड को जितेबाद तुम कौन गोटे न्यूक्लियोफाइल सहित जो रिएक्ट कर देन से तुम अल्कोहल फर्मेसन करदे बिकज आम ये जेहत गोटे अल्काली नहीं के ओएच मैंने गोटे अल्काली तो सी तुम ये अल्कोहल फर्मेसन कला तो ये जिनस तुम यहाँ हूँ तुम फर्स्ट आपको आम कौन कह तुम SN1 मेकानिजम SN1 रिएक्शन कह तो सिंपली दुटा स्टेप फर्स्ट स्टेप तुम कार्बोकाटाइनटा ब्रेक है और सेकेंड कार्बोकाटाइनटा सॉरी तुम बॉन्ड ब्रेक होकर कार्बोकाटाइन फर्मेसन है और सेकेंड में तुम न्यूक्लियोफाइल अटैक करके तुम प्रोडक्टा बाहरी पड़ा तो यहाँ हूँ तुम फर्स्ट स्टेप। सेकेंड स्टेप सेकेंड यहाँ तुम SN1 रिएक्शन है तुम गोटे स्टेप सिंगल स्टेप ए सरी दुटा स्टेप ये तुम सरीगला। नेक्स्ट आम देखा हाँ यहाँ कतरा इंपोर्टेंट पॉइंट कौन दि ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी डिपेंड्स अपन देखो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी माने इटे तो आम कौन जानते हैं प्राइमरी अच्छी सेकेंडरी अल्किल हैलाइड अच्छी और टर्शियरी अल्किल हैलाइड अच्छी आम पाखे तीन टा जाक अल्किल हैलाइड अच्छी तो सबुठ अधिक आम कौटा को आम ऑलवेज चूज करवा टर्शियरी वाला माने कौन जोटि की तुम हालोजन ग्रुप सहित तुम तीन टा तुम मिथाइल ग्रुप लगे सिमिति वाला ही आम अल्किल हैलाइड ये आम कैरी करवा बिकज कौन पाई केस देखा ड्यू टू द स्टेबिलिटी नेचर ड्यू टू द स्टेबिल नेचर ऑफ टर्शियरी अल्किल हैलाइड तो जो टर्शियरी अल्किल हैलाइड अच्छी सी बहुत स्टेबल थाए तो से आम मानक ये स्टेबल किए थाए तुम कार्बोकाटाइन जो कार्बोकाटाइन जी फर्मेसन है सी अधिक स्टेबल थाए बुझे जोटा तुम फर्स्ट रिएक्शन फर्स्ट स्टेप फर्मेसन है। सो दि ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी डिपेंड्स अपॉन दि स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनियन कार्बोकाटाइन फॉर्म इन द फर्स्ट स्टेप ड्यू टू द स्टेबिलिटी नेचर ऑफ टर्शियरी अल्किल हैलाइड इज मोर द आयनाइजेशन ऑफ टर्शियरी अल्किल हैलाइड इज फेवर्ड माने से आम आयनाइजेशन आयनाइजेशन माने कौन दुटा को आम अलग अलग सेपरेट करदे आम आयनाइजेशन कह मैंने दुज आम सेपरेट जो फर्स्ट सॉरी प्रीवियस आम जो देखा ये देख ये आम दुज को सेपरेट करदे यहाँ गोटे गोटे कन्वर्ट करदे तो से आम आपको कौन कहे ये जो तुम टर्शियरी वाला आपको कौन करेंगे टर्शियरी को सब अधिक कौन ताको प्रिफरेंस दिया जाए हला तापरे सेकेंडरी तापरे प्राइमरी हला तो सेमाने एते रिएक्शन करिवेनी हला। सो इठी आ गुटे जिनसो मोट पॉइंट आउट कर देबी इठी मु तुमको कार्बो नियम आयन लिखछि बट एटा होजे तुमरे एक्जेक्टली कार्बो काटायन लिख दबो सेडा को कार्बो काटायन गोटे वाटर एटा CaRBOCATION कार्बो काटायन सेडा मु कार्बो नियम आयन लिख दिछि सेडा कार्बो काटायन कर दबो। नेक्स्ट आम देखा SN2 रिएक्शन तो मुझे ये तुमको कौन कहली SN2 रिएक्शन वन स्टेप रिएक्शन माने ये तुम कौन हुए गोटे स्टेप ही फॉलो हुए माने एट ए टाइम तुम कौन हम तुम बॉन्ड ब्रेक भी हम गोटे आड़े आ गोटे आड़े तुम बॉन्ड फॉर्मेशन भी हम है। सो दिस टाइप ऑफ रिएक्शन अकर्स इन वन स्टेप गोटे स्टेप हो तो ये तुम कौन हम देख ये कह दीजिए सिंपली मुझे लिख दीजिए इन दिस मेकानिजम द ब्रेकिंग ऑफ CX बॉन्ड माने आम कौन नौ CX कार्बन आम जेहत हाइलाइट नौ तो कार्बन और एक्स बॉन्ड आपको आम रिमूव करके आम से न्यूक्लियस आ न्यूक्लियोफाइल आने तो ये कौन हम तुम फास्ट आम बॉन्ड ब्रेक करवाक पड़ो तो ये कौन हुए फास्ट स्टेप मैंने सरी गोटे स्टेप हम ए गोटे स्टेप कौन हम तुम ब्रेकिंग ऑफ CX बॉन्ड मैंने तुम CX बॉन्ड भांग भी एंड द मेकिंग ऑफ CNU मैंने कौन कार्बन न्यूक्लियस सॉरी कार्बन न्यूक्लियोफाइल बॉन्ड है कार्बन न्यूक्लियोफाइल बॉन्ड टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली मैंने कौन एक टाइम हो मैंने गोटे आड़े तुम बॉन्ड ब्रेक भी होता अदर साइड्रे तुम बॉन्ड से क्रिएट भी होता तो सीटा किन देव से आम तुम देखेदेवि। सो यो तुम फर्स्ट जो स्टेप जो मेकानिजम कौन हुए तुम फर्स्ट जो न्यूक्लियोफाइल अटैक्स दि हैलोजन कैरिंग कार्बन आटम फ्रॉम द बैक ये तुम कौन कर ना जो तुम ये जहाँ तुम जो ग्रुप नहीं तो आम सिंपली ए वाला रिएक्शन ही नहीं कि आम देखा तो जो तुम कार्बन जो कार्बनटा तुम हालोजेन ग्रुप धरी रखी सी ताकू कौन कर सी जो तुम गोटे जो न्यूक्लियोफाइल आम आणुचे से न्यूक्लियोफाइलटा डायरेक्ट ता पछआड़ू अटैक कर कौन कह दि न्यूक्लियोफाइल अटैक्स दि हालोजेन कैरिंग कार्बन आटम फ्रॉम द बैक ड्यू टू द रिपल्सन बिटवीन नेगेटिवली चार्ज्ड हालोजेन एंड दि न्यूक्लियोफाइल बुझला माने ये कौन कहूँ
कि आमे एबे आमे इठे जो कौन नबा आमे जो न्यूक्लियोफाइल आनिबा से न्यूक्लियोफाइलटा जो कार्बन एक्स बॉन्ड अछि ए कार्बन को आसी कि सेटा कर माने ये रिमूव होबो ये आसी कि लागिबो तो फर्स्ट रिएक्शन रे जेतु ये बॉन्ड स्टार्टिंग रे बॉन्ड ब्रेक हेइनि माने बॉन्ड ब्रेक होउछि ता सहित तो जो न्यूक्लियस आसिला से सामना आडु आसी अटैक करबोनि से कोन करबो से पछ आडु आसी कि आको अटैक करबो ए कार्बन रे आ एठी से बॉन्ड फॉर्मेशन करबो ना काहे कि आमे जान छि एक्स अछि एक्स मध्ये होउछि गोटे न्यूक्लियोफाइल दैट मींस जो एक्स अछि से भी नेगेटिव चार्ज न्यूक्लियोफाइल से भी नेगेटिव चार्ज तो दुईटा नेगेटिव चार्ज जदि पाखा पाखी हे जिबे गोटे आडु आसिले से मानको भितरे कोन होबो रिपल्सन क्रिएट होबो राइट से मानको भितरे कोन होबो रिपल्सन क्रिएट होबो तो रिपल्सन क्रिएट होबो सेति पई एई जो न्यूक्लियसटा इमिति सामना आडु केबे आको अटैक करि परिबोनि बिकज एक्सटा एबे पर्यंत जायनि जेतल पर्यंत टोटली ए बॉन्ड फॉर्मेशन होबो सेतबेले ए भी सब टोटली बॉन्ड छाडी कि पळेबो तो सेति पई ये कोन करबो तमरो बेकरु अटैक करबो तमरो न्यूक्लियसटा सॉरी न्यूक्लियोफाइलटा तमरो जो जो कार्बनटा जो एक्स को कैरी करछि ताको पछाडु अटैक करबो बुझला तो एटा होछि तमरो कोन रिएक्शन तापर आउ टिके आको जीवा से रिएक्शनटा आम क्लियर छाडी बुझबा देखो तो जेतबेले से पछाडु तमको अटैक कला जेतबेले से अटैक करछि ता सहित से कोन हला से टेबे एज अ रिजल्ट एबे कोन होए SN2 रिएक्शन आर ऑलवेज अकंपनड बाय इनवर्सन ऑफ कॉन्फिगरेशन जस्ट इन द सेम मैनर एज एन अम्ब्रेला टर्न्स इनसाइड आउट इन ए स्ट्रॉन्ग बॉन्ड माने से कहूँ कि लेट्स से आपको जब मन करो ये देखो ये वाला रिएक्शन को टिके आम आस ये जो तार लाइनटा से तुम कौन कहला कि SN2 रिएक्शन को कौन बोली करा जाए ऑलवेज से गोटे इनवर्सन कॉन्फिगरेशन बोली कि धरा जाए इनवर्सन कॉन्फिगरेशन माने कौन जस्ट तार उल्टा माने देखो फॉर एग्जांपल इट इज जस्ट इन द सेम मैनर एज एन अम्ब्रेला टर्न्स इनसाइड आउट इन ए स्ट्रॉन्ग वाइंड लेट्स से तुम गोटे छत्ता धरीछ फॉर एग्जांपल तुम अम्ब्रेला बा छत्ता तुम जब धरीछ बहुत स्पीड तुम जब पवन होगा तो कौन होगा छत्ताटा पूरा उल्टी गला तो ये छतार सेपटा कौन जाइ जस्ट तार उल्टा होती है से सैड को तार कभरटा हो जाइए तो सेम सेमती जस्ट से ये तुम एग्जांपल देखो लेट्स से यहाँ जब मन करो तुम से ही छता जो तुम एमती सब छता को रखिच आपटर एवं कौन मन करो तुम वाइंड आसला पवन आसला बहुत स्पीड्रे तो छताटा एवं तुम किन कनवर्ट होमती ही थी बट ये पार्टा सैड हो मैं ये टोटाली एपटे उल्टी पलेब तो ये टाइप रिएक्शन ताको कौन कहुए इनवर्सन कॉन्फ़िगरेशन कहे माने आम ये रिएक्शन जो कंप्लीट करवा आम देखा जो लास्ट को जो आम आंसर बाहर से पूरा छताटा पूरा उल्टी की आसो तो से जो जिन मैंने ये छताटा एमती थी से भी एमती कनवर्ट होगा देखो ये इमती एमती थी बट से इमती एमती होगा मैंने जस्ट तार छताटा पूरा उल्टा होगा तो सेमती टाइप रिएक्शन ये कौन हुए से टेक्स प्लेस हुए तो सीटा ये टोटाली जो कम्प्लीट होते ये टोटाल रिएक्शन टाइम पूरा चेंज हो जाए तो से ऑलवेज कौन कह जाए इनवर्सन कॉन्फ़िगरेशन बोली कौन कराए एकम्पानी कराए मैंने माना जाए सो एपाई ये जो रिएक्शन को आपको ये कॉन्फ़िगरेशन को आवरी बोली भी कौन बोली पढ़ा जाए कमनली नोन एज वाल्डेन इनवर्सन है ताकु जो तुम SN2 मेकानिजम रो जो कंप्लीट रिएक्शन है जो रिएक्शन बाहर ताकु आम कौन बोली पढ़वा वाल्डेन इनवर्सन नॉर्मली आपको वाल्डेन इनवर्सन बोली जाना जाए है तो रिएक्शन देखा सेम आम से सी एस रि सी एस टू बी आर ना सहित से ही के ओ एच रु आम से ओ एच वाला का न्यूक्लियोफाइल ना तुम यहाँ तुम कंप्लीट रिएक्शन बट आरो मेकानिजम किमी एमती देख फर्स्ट जो तुम टर्म आसा ये तुम कौन ये तुम कौन नौ टर्सीयरी नौ बट इट आई तुम बेसिकली प्राइमरी चूज कर ऑलवेज रिमेम्बर SN2 पाई तुम प्राइमरी चूज कर है SN1 पाई तुम कौन टर्सीयरी चूज कर SN2 पाई प्राइमरी चूज कर नाउ इटे देख तुम यहाँ हूँ तुम कौन यहाँ हूँ तुम कौन सी एच थ्री सी एच टू बी आर मुझे एमती लिखी देखिए देख सी एच टू तो ये दुईटा एच टू अच्छे आउ गोटे सीटा तुम सी एच थ्री इट लगी सी एच थ्री इटे लगी सेटा को मुझे लिखीदी बाकी आम गोटे छता भाया वे देखा बोलिए तो आपको आम ना सहित आम क्या सहित रिएक्शन करुच्छे आम के ओ एच सहित रिएक्शन करुच्छे तो मुझे सेपरेट कर देती अलग अलग के माइनस ओ एच मैंने ओ एचटा ये न्यूक्लियोफाइल देखे आउ के प्लसटा के माइनस तुमको इलेक्ट्रोफाइल शो कर देती फर्स्ट रिएक्शन टिके स्लो हे बट यो रिएक्शन कम्प्लीटली स्लो हम आउ टेक्स प्लेस हम ना देख ये तुम मुझे कि मुझे कौन कही जो रिएक्शन गोटे स्टेप हम गोटे ही स्टेप हम आ गोटे स्टेप्रे वन स्टेप्रे हिं गोटे तुम बॉन्ड ब्रेक हम आ गोटे बॉन्ड तुम कौन हम क्रिएट हम मैंने ये देखा सी एक्स बॉन्ड ये एक्स जगार आम कौन नहीं बीआर नहींचे मैंने ये तुम सी बी आर वाला बॉन्ड जो अच्छे सी आउ बी आर वाला बॉन्ड अच्छे सी बी आर वाला बॉन्डटा ये कौन हम ब्रेक हम से टाइम तुम ये जो ओ एच अच्छी सी ये तुम आसो मैंने ये जो ओ एच आसला सी कौन कर सही टाइम ये कौन कर तुम अटैक कर रईट तो ये कौन हम एम भितर बॉन्ड क्रिएट हाँ आरंभ हो ओ एच आउ सी भितर बॉन्ड क्रिएट हाँ आरंभ हो आपटे सी आउ बी आर भितर बॉन्ड ब्रेक हम मैंने भांगा आरंभ हो आउ एज अ रिजल्ट फाइनाली तुम ओ एच पूरा सहित बॉन्ड फॉर्मेशन करदेव आउ बी आर तुम कम्प्लीटली बी आर माइनस है बाहरी पड़ो सीट्रु तो जितने बीआर तुम माइनस है कि बाहरी पड़ो तो ये आम जेहतु फाइनाल रिएक्शन ये आम से लिखुचे बट अल्टरनेटिव बिल आम पाखे आ कौन अच्छे के प्लस अच्छे के माइनस अच्छे तो सॉरी
एटा तमरो एक्जेक्टली एटा के प्लस हबो मोड के माइनस लिख दिछ हला तो ए जो के प्लस टा ये सिंपली ए जो तमरो बीआर माइनस टा एडी जो बाहरिबो ता सहित मिसि कि ये कोन फॉर्मेशन करिवो तमरो के बीआर फॉर्मेशन करिवो बट एटा हमर इंपोर्टेंट रिएक्शन नै हमरो मेन जो प्रपोज होछ एटा तो देखो हम पके रिएक्शन थिला एमिति से हेगला एमिति तो कंप्लीट ये कोन हेगला ओटा इनवर्सन हेगला राइट माने टोटली हमरो छोटाटा किम थिला हमरो इंति हेकि थिला बट ए केस रे आसला बळ छोटाटा पूरा इंति हेगला तो ए टाइप रो रिएक्शन कंप्लीट हेगला तो एटा को हमें कोन करबा कंप्लीटली इनवर्सन ये हो जाऊँच कौन तुम्हारा गोटे इनवर्सन क्रिएट होगा ये तो देखो ये जो रिएक्शन रा ऑलवेज मन रखिबो कि ये तुम सी बी आर बॉन्डटा मैंने हालोजन आउ कार्बन बॉन्डटा ब्रेक होपटे कार्बन आउ न्यूक्लियोफाइल वाला कारण बिकज ओएचटा हो तुम न्यूक्लियो तो ये तुम क्रिएट हो तो यहाँ हूँ तुम कौन एस एन टू रिएक्शन तो सिंपली ये जिन मन रख कि एस एन वन रिएक्शन एटा हूँ कौन टू स्टेप रिएक्शन मैंने दुईटा स्टेप हुए फर्स्ट स्टेप तुम कार्बोकाटाइन फॉर्मेशन हे सेकंड स्टेप जाकि तुम न्यूक्लियोफाइल अटैक कर बट ए केस रे बट सिंपली गोटे स्टेप फॉलो हे सेम गोटे जगार तुम ब्रोमीन बॉन्ड ब्रेक करें कार्बन हालोजन बॉन्ड ब्रेक करपटे तुम कार्बन आउ रहा तुम न्यूक्लियोफाइल वाला बॉन्डटा क्रिएट हो नाउ ऑलवेज रिमेम्बर सेकेंड एस एन टू रिएक्शन रे तुमरो जो न्यूक्लियोफाइल आसिबो से सबुड़ा को बेक रु पछाड़ू ही अटैक करिवो ना कहीं पछाड़ू अटैक करिवो ना आम सिंपली जानचे ब्रोमीन भी गोटे न्यूक्लियोफाइल आम जो ओएच ये भी गोटे न्यूक्लियोफाइल तो दुईटा जाक पाखे नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट अच्छा और दुईटा जाक नेगेटिव चार्ज जब गोटे वे आसे से भितर कौन हम रिपल्सन क्रिएट हम रिपल्सन मैंने भितर कौन हम ठेलापेला क्रिएट हो तो से कौन करेंगे नहीं गोटे आड़े अटाक करेनी ओएचटा सामना आड़ू न आसिक ये पछाड़ू आसिक आपको अटाक कर तो यहाँ हूँ तुम कौन एस एन टू मेकानिजम सो न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन कंप्लीट है नेक्स्ट क्लास में आम एलिमिनेशन रिएक्शन एंड रिएक्शन विथ मेटल्स आम पढ़ा थैंक यू।